जय हिंद सभी को। सेवन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर, आज एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ मैं आप लोग के सामने आया हूँ। आज हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे हम लोग, और जो CBSE वाले बच्चे हैं उनका चैप्टर नंबर 1 है ये हड़प्पा सभ्यता। तो जानो इस चैप्टर के अंदर है क्या क्या, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा। पिक्चर्स के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। पिछली बारी वीडियोज़ में मैंने जादू दिखाया था पिक्चर्स के साथ, तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होंगी सारी वीडियोज़, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे बहुत मज़े के साथ, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। चलो देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता आखिर कैसी सभ्यता रही, इसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या हड़प्पा सभ्यता लिखित आधारित है, या बोल सकते हैं लिखित दस्तावेजों से हमें पता चला हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हड़प्पा सभ्यता लिखित तो थी लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। चलो जानते हैं चैप्टर के अंदर बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। तो सबसे पहले याद रखना, ये जो चैप्टर है हमारा थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने, ठीक है। तो देखो जरा, और हाँ बच्चों कि इससे पहले वाली मैंने जितनी भी चैप्टर्स की वीडियो अपलोड करी हैं, उम्मीद करता हूँ कि सबको अच्छी लगी होंगी। और वीडियो के एंड में, सभी वीडियोज़ के एंड में मैंने नोट्स ज़रूर दिए हैं, और कुछ बच्चों के जो डाउट्स थे वो भी क्लियर किए हैं। और ऐसे ही डाउट्स क्लियर करते रहो, तभी पढ़ने में और पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे मेरा साथ देंगे, साइमन क्लास का साथ देंगे, ठीक है। तो मज़ा आ जाएगा, बस साथ देते रहना और इसी तरह पढ़ते रहना और बढ़ते रहना, ठीक है। चलो देखते हैं भाई इसमें है क्या। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है उद्भव और विकास, यानी हड़प्पा सभ्यता का उद्भव और विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ये मानना कि जब तक खुदाई नहीं हुई थी, जब तक पुरातात्विक स्रोत नहीं मिले थे हमें, और लिखित हम लोग जानते थे कि हाँ हमारी जो शुरुआत है वो वैदिक सभ्यता से हुई है, पर ऐसा नहीं है। हम ये मानते थे प्राचीनतम सभ्यता हमारी कौन से रही है, वैदिक सभ्यता, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पर उसके बाद क्या हुआ, जब पुरातात्विक खुदाई वगैरह हुई तो हमें बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले जिसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि हाँ भाई अस्तित्व में हड़प्पा सभ्यता भी रही होगी, ठीक है। देखो बने रहो इस वीडियो के साथ, ध्यान से देखना। तो वैदिक सभ्यता को ही भारत की प्राचीनतम सभ्यता माना जाता था, पर पुरातात्विक खुदाई से पता चल गया कि हाँ पुरानी सभ्यता कौन सी रही है हमारी, हड़प्पा सभ्यता। और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है देखो इसमें पढ़ने में, कि बहुत इजी टॉपिक है इसमें, ध्यान से बने रहना बस। तो इसकी खोज जो है वो 1920 से 22 में की गई, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1920 से 22 में की गई थी। उसके बाद यानी कि ये देखना इसकी खोज जो है वो किसने करी, तो दयाराम साहनी, और किसके नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन्होंने इसकी खोज की थी 1920 से 22 में, ठीक है। और इसी के साथ जुड़ी हुई एक और सभ्यता थी जिसको हम बोलते थे मोहन जोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, कौन बताएगा। तो जानो मोहन जोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है वो है मृतकों का टीला, ठीक है। और हाँ बच्चों, मैं शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करता हूँ, आप लोग ज़रूर देखें उसको। तो 30-30 40-40 सेकंड की शॉर्ट वीडियो रहती है हमारी, और उस पर बहुत ज़्यादा जानकारी डेली एक 8 बजे हमारी शाम को वीडियो अपलोड होती है, आप देख सकते हो उसको, सेवन क्लास की वीडियो अपलोड होती है। तो उससे हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी 1 मार्क्स के क्वेश्चन करने में, और इंटरेस्टिंग है सारी चीज़ें, आप लोग को बस पढ़ते जाना है, ठीक है, और बढ़ते जाना है। चलो ठीक है, मैंने बता दिया हड़प्पा सभ्यता पहली खोजी जाने वाली सभ्यता थी 1920 से 22 में, दयाराम साहनी और जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खोज की गई थी। और भाई मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो 1922 में राखलदास बैनर्जी ने इसकी खोज की थी मोहनजोदड़ो की। क्लियर है इतना सभी को, ठीक है। आगे देखो, हड़प्पा की जानकारी के जो स्रोत हैं वो केवल क्या हैं, पुरातत्वों पर आधारित हैं। याद रखना, जो हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी मिली है हमें वो पुरातत्वों के आधार पर, पुरातत्व क्या होते हैं भाई, तो पुरातत्व होते हैं पुरानी तत्व, या बोल सकते हैं जो पुरानी चीज़ों की जानकारी देते हैं हमें, जिसमें आपका मृदभांड, चक्कियाँ, सुइयाँ, झावा और मूर्तियाँ, इमारतें, पच्चीकारी का सामान, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें देती हैं, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं भाई कि है क्या। तो हड़प्पा की जानकारी के केवल जो स्रोत हैं वो किस पर आधारित है, पुरातत्व पर आधारित है। इसकी जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो क्या हड़प्पा सभ्यता लिखित दस्तावेजों पर आधारित होगा, नहीं। तो वो किस पर आधारित है, पुरातत्वों पर। किस पर आधारित है बच्चों, पुरातत्वों पर आधारित है। क्लियर हो गया। फोटोज वगैरह जो है मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे एक एक करके देखो जरा ध्यान से। तो
तो यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि मूर्तियाँ हो गई, बर्तन हो गए, मोहरे हो गई, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती रही। हट जाओ, हाँ हट गया, ठीक है। देखो तो उसके बाद क्या है, इसकी अवधि को तीन स्टेप में जो है बांटा गया है। हाँ, एक चीज़ ध्यान से सुन लेना बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता की जो हड़प्पा सभ्यता जो है उसको तीन चरणों में डिवाइड किया गया है, यानी कालगणना जो इसकी की गई है, बोला जाता है कि भाई 1, 2, 3, यानी कि स्टेप बाई स्टेप चलती रही, तो तीन भागों में इसको बांटा गया है। पहला जो है समय, वह है 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, यानी हड़प्पा सभ्यता जो है शुरुआत कब कब से हुई, ईसा पूर्व तो सबको पता है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का काल, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में लाइन वाइज लाइन पढ़ाया था, 7000 ईसा पूर्व तक पहुंचे थे, उसके आगे की सभ्यता ही है, ठीक है। तो ध्यान सुनना, तो इसमें क्या है, और हाँ बच्चों, जो मैंने बताया था प्रागैतिहासिक काल, तो उसमें क्या था कि एक तरीके से लिखित हमारे पास कोई वर्णन नहीं है, ठीक है। उसको हमने कैसे जाना था, पत्थरों से, ठीक है, या पूरा तत्वों से, उसमें आदिमानव वाला काल था सारा, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल जो होता है वो पत्थरों पर डिपेंड था, और जो ये वाला काल है हमारा अर्ध ऐतिहासिक युग जो है, हमारा बीच का समय जो है, वो तांबे और जो है पाषाण दोनों उसमें यूज हुआ, ठीक है। और एक अगला युग आता है जो ऐतिहासिक युग कहलाता है, उसमें किस चीज़ का यूज़ किया गया, तो उसमें यूज़ किया गया लोहे का, उसे लौह युग भी कहते हैं, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो देखो इसकी अवधि को तीन भागों में, तो 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व ये विस्तार का समय था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का उदय हो रहा था इस टाइम पे जो है औजार वगैरह का प्रयोग किया जाने लगा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हुई, पहला काल 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, दूसरा काल जो है बच्चों देखो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। तो इस टाइम पे विस्तार बहुत तेज़ी से होने लगा हड़प्पा सभ्यता में, नई नई चीज़ों का, यानी कि बर्तन वगैरह, मिट्टी मृदभांड के बर्तन, मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे इस काल में, ठीक है। तो मैं आप लोग को चित्र वगैरह दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे जो है मृदभांड मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते थे, ठीक है, साइड हो जाओ। उसके बाद देखो क्या है कि इसका तीसरा काल जो है बच्चों देखो वो है 1900 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व, ये वो काल है जिसमें हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। ध्यान सुना, क्या हो गया था, पतन हो गया था। तो इसमें 1900 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व ये माना गया है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है पतन हो गया था। तो पतन कैसे हुआ था भाई, ये भी एक डाउट होता है, तो मैं आने वाले टॉपिक्स में वो बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो जो है मज़ा जो है ना वो किरकिरा हो जाएगा, तो मज़े के लिए थोड़ा सा सस्पेंस जरूरी है। तो देखते हैं, चलो आगे। तो पहली अवधि पता चल गई, दूसरी अवधि बहुत तेजी से विकास हुआ, तीसरी अवधि में पतन हो गया इसका, ठीक है। 1400 ईसा पूर्व में पतन हो गया, फिर डाउट होता है कि हाँ भाई इसके बाद कौन आया होगा, तो इसके बाद आई थी वैदिक सभ्यता, जिसमें वेदों की रचना की गई थी, चार वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वेद, यजुर्वेद। कौन से वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वेद, यजुर्वेद, चार वेद थे आर्यों का, जो आर्य आए थे हमारे। आर्य कहाँ से आए थे बच्चों, मध्य एशिया से आए थे, क्लियर हो गया। तो देखो जरा इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, सब तो जानते हैं पाकिस्तान और मतलब पाकिस्तान के बलूचिस्तान वगैरह सब में फैला हुआ था इसका विस्तार क्षेत्र, मतलब हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ पर थी। बाकी नोट्स मिलेगा तो उसमें बहुत अच्छे से मैंने सारा लिखा हुआ है, वीडियो के एंड में नोट्स देख लेना, किसमें, वीडियो के एंड में, ठीक है। देखो तो पाकिस्तान और भारत के भी कुछ जगह थी जहाँ पे इसकी सभ्यता पाई गई है, जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और जो है आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो इन जगहों पर जो है इसकी सभ्यता पाई गई है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। देखो तो अब हम पढ़ेंगे नगर योजना। नगर योजना क्या है भाई, कि अरे हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता रही थी, तो वहाँ पे याद रखना सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता, तो याद रखना कि इसमें नगरों का भी निर्माण हुआ था, नगर निर्माण हुए थे। तो देखो जैसे इसमें क्या है कि नगर योजना में क्या बताना है कि नगर हमें देखने को हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जो है कालीबंगा, लोथल, तो इन जगहों पर नगरीय सभ्यता देखने को मिली थी। यानी कि नगर में क्या क्या आते हैं, जैसे बढ़िया नालियों का निर्माण, नालों का निर्माण, ठीक है, और उसके बाद गृह स्थापत्य वगैरह, और क्या नाम है, अलग अलग चीज़ें देखने को मिली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक समान नगर योजना थी, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही एक ही समय की उत्पन्न होने वाली सभ्यताएं कही गई हैं, और दोनों का ही जो विस्तार है एक साथ आगे बढ़ता रहा, और बहुत तेज़ी से विकास किया इन्होंने और बहुत उन्नति हासिल करी इतिहास में। क्लियर हो गया। तो देखो तो नगर जो है, नगर थी वहाँ पे, नगर अच्छे बनाए गए थे, गलियाँ थी, नालियों का निर्माण किया गया था, मकान बनाए गए थे, ईंटों से बनाए गए थे मकान, और हाँ
जितनी भी चीजों का जो निर्माण किया गया था वो पक्की ईंटों का वहाँ पे प्रयोग किया गया था। हमें जो ईंटें मिली हैं हड़प्पा के जो पूरा स्थलों से, वो कैसी ईंटें मिली हैं, एक अनुपात की ईंटें मिली हैं और सारी समान ईंटें थी। इसीलिए बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता का क्या कोई एक शासक रहा होगा, तो बोल सकते हैं हाँ, ठीक है। तो क्योंकि एक ही एक अनुपात की जो है हमें ईंटें प्राप्त हुई हैं। उसके बाद है नगर को दो प्रकार से बांटा गया था, तो पहला दुर्ग और दूसरा निचला शहर। दुर्ग और निचला शहर, दुर्ग या क्या होते हैं भाई, दुर्ग जो ऊंचाई पर बनाए जाते थे, थोड़े ऊंचे स्थल पर जो है वो दुर्ग बनाए जाते थे। और दुर्ग की भी दो विशेषताएं हैं, एक माल गोदाम था और विशाल स्नानागार था, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं, तो याद रखना। तो दुर्ग और निचला शहर, तो निचले शहर में कौन लोग रहा करते थे बच्चों, अमीर और धनी वर्ग के लोग रहा करते थे, कौन से, निचले शहर में। तो क्लियर हो गया, हड़प्पा सभ्यता को दो जो है दो भागों में बांटा गया है, मतलब जो घर वगैरह बनाए जाते थे वहाँ पे दो शहरों में बांटा गया है, एक दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग और निचला, दुर्ग क्या होता है जो ऊंचाई पर बनाए जाते थे, और निचला जो नीचे थे काफ़ी। और हाँ एक चीज़ और थी इसमें कि घर जो मकान जो बनाए जाते थे वो चबूतरों पर बनाए जाते थे, जैसे हमारे यहाँ पे चबूतरे देखे होंगे ऊँचे ऊँचे, फिर उस पर घर का निर्माण करते थे। तो इसीलिए ये लोग भी जो है मतलब उस टाइम से हम लोग सीखे हुए हैं कि हाँ उस टाइम पे क्या था कि घर मकान जो बनाए जाते थे वो चबूतरों पर बनाए जाते थे। क्लियर हो गया सबको? तो बच्चों देखो मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को भी मेहनत करनी है, सपोर्ट करना है साइमन क्लास को बहुत अच्छे से, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करनी है साइमन क्लास को, और अपने दोस्तों में भी शेयर करो इस वीडियोज़ को, इन वीडियोज़ को, जिससे कि उनको भी लाभ मिले, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक्स हैं इसके अंदर, मैंने बता दिया उद्भव और विस्तार और नगर योजना। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, अब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, क्योंकि बस देखो जब एक तरफ से मेहनत करी जा रही है तो दूसरी तरफ से जब रिप्लाई भी आ रहा है, कमेंट भी आ रहे हैं, हाँ कि और क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं बच्चे, तो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है रिप्लाई वगैरह करने में। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने जो भी बच्चे हैं, चाहे CBSE वाले बच्चे हैं, चाहे NOS, चाहे अदर बोर्ड के बच्चे हैं, वो जिसको जौन सा भी डाउट हो, जो भी डाउट हो अपनी स्टडी को लेकर, आर्ट साइड को लेकर, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं जिनको जो भी दिक्कत हो, वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या बोल सकते हैं, कमेंट में अपने क्वेश्चंस लिखो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है, ये मेरा वादा है। तो चलो ठीक है, हमने ये दो टॉपिक कर लिए हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। I'm alone, I'm a broken home, I gave you all.